हुई है, इसीलिए बहनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होता है। और ये छात्र नौजवान आज धमाका कर रहे, और आज अगर अगर सुनवाई नहीं होगा और ये धमाका बार बार होगी, जैसे भगत सिंह ने बहरों को सुनाने के लिए, अंग्रेज को सुनाने के लिए जैसे असेंबली में बॉम्ब फेंका था, आज छात्र नौजवान के पास ऐसा साहस है, ये बहरों को सुनाने के लिए बॉम्ब फेंके ना फेंके, लेकिन हमारे जो साहस है इसके आधार पे हम उनको सुनाने के लिए बाध्य करेंगे। और ऐसी बात नहीं कि वो सुन नहीं रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जान बुझ करके गूंगी बहरी सरकार बन करके बैठी हुई। जिस तरह से रघुवर सरकार अपना नियोजन नीति बनाई थी बोका टाइप से, उसी तरह ही हेमंत सोरेन भी एकदम भकलोर टाइप से नियोजन नीति बनाई ले है यार, हम इनके बीच लान ले ले। तो बेचारा कोटवा क्या करते है, वो तो संविधानिक तरीके से इन्हें लागू करते है, तो दिलो रद्द कर आगे भेज दिलो सुप्रीम कोर्ट। मालूम है सब है के मालूम है, तो बोल रहा थी लेकिन गद्दी में हो तो कौन सुनते, अभी हम बोल रही है तो थोड़ी सुनते, और सुना देते तो फिर सुना दे अच्छा से कि सुन ले हेमंत सोरेन, ये तो जे दलाली गिरी और तो मंद बुद्धि गाधा गिरी कर रहे ना चलतो। झारखंड के छात्र जाए के लिए है तू, और जब जब छात्र बोल रहे हो ने तब तब राज सिंहासन डोल ले हो। देख भैया, सबसे पहले तो हम इनके हम ये सबके बेस से संबोधित करते हुए यह कहबे कि सुन ले, अबे कितना पढ़ा लिखा है अबे तुम लोग, कितना पढ़ा लिखा है तुम लोग, कहा जाने का पढ़ा लिखा का होता है। यहाँ रांची में कितना छात्र अपन माए बाप जो खेती बाड़ी कर रहा है वो सब काम में हाथ बटाने छोड़ के यहाँ पढ़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, कहा जाने का तुम लोग, पढ़ाई का होता है, घर का दर्द का होता है, एक छात्र का दर्द का होता है, विरासत में मिला है गद्दी तो तुम लोग कहा जानेगा, एक छात्र का दर्द समझना है तो आओ यहाँ, जब आओगे यहाँ बीच यहाँ पे बैठो, उसके बाद इतना गींजेगा तब मालूम चलेगा कि छात्रों में कितना दर्द है। उठा थे रे कौन जे बेरा उगा थे, हरे 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 कौन जे बेरा उगा थे, रोज दीना दादा रोज दीना बुचू खाटी पटिया छूटा थे रे, कुर्सी जान लूटा थे रे, कौन जे बेरा उगा थे। बात सिर्फ हमारा ही भविष्य का नहीं है, बात हमारा बाल बच्चा सबका भी है। हम लोग एक साल से आंदोलन रत रहे हैं, बात जितना भी खतियान आधारित आंदोलन चला है उसमें सबसे बढ़ चढ़ के मैंने हिस्सा लिए है। और आज जब सुने कि नियोजन नीति में भी छेड़खानी, जिस तरह से रघुवर सरकार अपना नियोजन नीति बनाई थी बोका टाइप से, उसी तरह ही हेमंत सोरेन भी एकदम भकलोर टाइप से नियोजन नीति बनाई ले है यार, हम इनके बीच लान ले ले। तो बेचारा कोटवा क्या करते है, वो तो संविधानिक तरीके से इन्हें लागू करते है, तो दिलो रद्द कर आगे भेज दिलो सुप्रीम कोर्ट। मालूम है सब है के मालूम है, तो बोल रहा थी लेकिन गद्दी में हो तो कौन सुनते, अभी हम बोल रही है तो थोड़ी सुनते, और सुना देते तो फिर सुना देवे अच्छा से कि सुन ले हेमंत सोरेन, ये तो जे दलाली गिरी और तो मंद बुद्धि गाधा गिरी कर रहे ना चलतो। झारखंड के छात्र जाए के लिए तू, और जब जब छात्र बोल रहे हो ने तब तब राज सिंहासन डोल ले हो। आगे के लिए है कि अभी जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन बढ़ रहा है, अब विद्रोह के रूप लेते हैं, और ये सरकार के लोग जो टैक रहे हैं ने इस सबके डेगले कर ले पा रहे जी वे जो है, पहले मान लीजिए सरकार सब दर्द निकालेगा। ए भैया, सुअर बहुत घर में पाला हती ठीक हो, और बकरी तो छागरी हम पोसे, मुर्गियों पोसे और गायों पोसे, अबे उसके अलावा कोई विकल्प है तो दो ने बे। देखिए गाली गाली देखिए गाली मजबूर किया तो कितना शांत रहेगा छात्र, सो बताइए कितना शांत। अभी गुस्सा है तो निकल जा रहा है, अभी घर में धान कटिंग चालू हो रहा था, हम लोग यहाँ पढ़ाई में फोकस किए, माए बाप गाधा नियर वहाँ खटा ककर खातिर खटा, वहाँ माए बाप खेत बाड़ी में काम किया,
ताकि हमारा बाल बच्चा रांची में पढ़ रहा है उस सब के लिए अनाज होगा तो देंगे, कुछ बेचेंगे और बेच के पैसा देंगे अपना बाल बच्चा को, ताकि वो रांची में पढ़ के तैयारी करे बढ़िया से, अच्छा जगह में नौकरी करे। लेकिन ये विरासत में मिलल गद्दी वालिन कहाँ जानेगा। वही तो कहते हैं हेमंत बाबू आप कभी शिबू सोरेन जी के साथ बैठिए और पूछिए कि झारखंड क्यों बना था, किसके खातिर बना था, पूछिए। आप लोग तो पूछते ही नहीं और शिक्षा मंत्री, लेकिन तो इनके तो समय उसको पता करेगा। हमर हामिन देख, हामिन ऐसा आदमी है कि माए बाप से हर एक बात शेयर कर रही हो, तो कम से कम ताओ शेयर कर रही यार। इतना बड़ा है गेले तो यार दिमाग बुद्धि ना हो तोर पास, है ठीक है। कह ले लो कौन मुख्यमंत्री ने, हम लोग मुख्यमंत्री हम इनके रघुवर काल तक कह लो, जब रघुवर काल खत्म हो बाद मूर्ख मंत्री के सेशन चले लागल। तो मूर्ख मंत्री जी तोर से हाथ जोड़ के निवेदन रहते है कि एक सप्ताह के अंदर 15 दिन समय ना हो हम इन पास, 15 दिन ना देवो, एक सप्ताह के अंदर में तोरा कठोर नियोजन नीति लावे है तो बनवे है तो, जे कि छात्र हित में रहना चाहिए, ये कहो। तो देखिए सरकार सब जानती है लेकिन बहरी बनी हुई है, इसीलिए बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होता है। और ये छात्र नौजवान आज धमाका करने, और आज अगर सुनवाई नहीं होगा और ये धमाका बार बार होगी, जैसे भगत सिंह ने बहरों को सुनाने के लिए, अंग्रेज को सुनाने के लिए जैसे असेंबली में बम फेंका था, आज छात्र नौजवान के पास ऐसा साहस है ये बहरों को सुनाने के लिए बम फेंके ना फेंके, लेकिन हमारे जो साहस है इसके आधार पे हम उनको सुनाने के लिए बात करेंगे। और ऐसी बात नहीं कि वो सुन नहीं रही है, वो सिर्फ और सिर्फ जान बुझ करके गूंगी बहरी सरकार बन करके बैठी हुई है। क्यों गूंगी बहरी बनी हुई है? मुख्यमंत्री तो बोल रहे कि नौकरी देंगे, इंतजार कीजिए आप लोग। इंतजार क्या, इंतजार करते करते हम अपना उम्र गवा दे, यही तो हो रही है कि हमेशा खाली इंतजार इंतजार इंतजार, आश्वासन आश्वासन आश्वासन, इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं हासिल हो रही है। आज देखिए हर वैकेंसी में उम्र सीमा की जिस ढंग से कर दिया गया है कि आप 37-35 के बाद और जॉब नहीं कर सकते हैं, इस ढंग से किया जा रहा है, तो कैसे उनके बाद में, अभी तो 2023 आने वाली है, कुछ दिनों के बाद नया साल आने वाली है, 2024 में फिर से इलेक्शन होगी, फिर हो सकता है वो सरकार फिर से आएगी या फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर से हमें वही पेंडुलम की तरह जो सिंपल पेंडुलम है जैसे घूमती रही है, एक्सट्रीम पोजिशन मेन पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन मेन पोजिशन, हमें ऐसे पेंडुलम की तरह घुमाई जा रही है। सबको नौकरी मिल जाएगा मैडम, ये बताइए, मुर्गी पालिए बकरी पालिए, आप लोग रोजगार कीजिए ना, क्यों नहीं संभव है? मुर्गी पालिए बकरी पालिए रोजगार कीजिए, नौकरी की जरूरत क्यों है? तब अगर ऐसा है तो वो अपना बेटा बेटियों को क्यों नहीं मुर्गी पालने के लिए बोलते हैं? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री होने से क्या, वो मुख्यमंत्री हमारी वोट से मुख्यमंत्री बने हैं, वो कोई मतलब जो राजा महाराजा नहीं है, वो भी एक आम जनता है, तो उसका भी जो अगर हम लोग को बोल रहे हैं कि सुअर पालिए मुर्गी पालिए, तो उनका बेटा बेटियों को क्यों उपदेश दे रहे हैं? उनका बेटा बेटी तो अमेरिका में विदेश में सब पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जैसे छात्रों को यहाँ पर ऐसे करके ढकेल दिया जा रहा है। पीछे पीछे जब नया नीति बनेगा तो लोगों को मिलेगा, नौकरी देंगे हम, नया नीति नए लोग भी आएंगे उसके पास बोल रहे हैं। कब बनेगी नया नीति? नया 22 साल पार हो गया, 22 साल पार हो गया, 22 साल मतलब ये 22 साल कोई कम नहीं है, 1-2 साल की बात नहीं है, ये 22 साल की बात है। झारखंड बनने के बाद 22 साल हो रही है, इसका जो जन्म जो हुआ है 22 साल हो रही है, तो कब नौकरी मिलेगी? तब तक तो शायद हम अपना उम्र ही पार कर चुके होंगे। ठीक है चलो, बनाना बंद करें, हम उनसे रिकॉर्डली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बंद करें। युवा आप जान चुका है, देख सकते हैं हमारे साथी दल कितने लोग आए हुए हैं, इस सरकार से तंग आ गए हैं हम लोग, तंग आ गए हैं, अब हम लोग नहीं सहेंगे। टूटा थे रे कौन जे बेरा उगा थे, हरे 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 कौन जे बेरा उगा थे, रोज दीना दादा रोज दीना बुचू खाटी पटिया, छूटा थे रे कुर्सी जान लूटा थे रे कौन जे बेरा उगा थे, रोज दीना दादा रोज दीना बुचू माटी हमारे लूटा थे रे, माए हमारे छूटा थे रे कौन जे बेरा उगा थे, हरे 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 कौन जे बेरा उगा थे,
रोज दीना दादा रोज दीना बुचू बाहरी नौकरी लूटा थे रे कोयला बालू लूटा थे रे कौन जे बेरा उगा थे रोज दीना दादा रोज दीना बुचू माटी हमारा लूटा थे रे माए हमारा छूटा थे रे कौन जे बेरा उगा थे कौन जे बेरा उगा थे रोज दीना दादा रोज दीना बुचू गाँव हमारा लूटा थे रे शहर जाना लूटा थे रे कौन जे बेरा उगा थे रोज दीना दादा रोज दीना बुचू माटी हमारा लूटा थे रे माए हमारा छूटा थे रे कौन जे बेरा उगा थे।